Grace Gospel TV and Interdenominational Missions TV in association with Grace Gospel Mission. By running this YouTube channel, we want to spread the true Gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel, and watch our playlist of Eternal Forgiveness of Sin. Thank you. सबको जय मसीह आइए आज भी हम प्रेरित की पुस्तक उसका तीन अध्याय से बाइबल हम खोल के बात करेंगे आइए अपने बाइबल को खोलें। प्रेरितों का काम उसका तीन अध्याय प्रेरितों का काम तीन अध्याय उसके ग्यारह वचन से आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्यारह से लेके छब्बीस तक आज हम पढ़ेंगे जब वह पत्रस और योहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए यह देखकर पत्रस ने लोगों से कहा हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो कि हम ही ने अपने सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरना कर, कर, चलता फिरता कर दिया हो इब्राहिम और ईसाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरोहे में से जिलाया और इस बात के हम गवाह हैं और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है और अब हे भाइयों मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य पहले ही बताया था कि उसका मसीही दुख उठाएगा उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया इसलिए मन फिराओ और लौट आओ आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह उस मसीह को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही होते आए हैं जैसे कि मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्य वक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्य वक्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा और से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्य वक्ताओं ने बातें की है उन ने इन दिनों का संदेश दिया है तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बंधी जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे तो आज हम 26 वचन तक ही पढ़ेंगे आज तीसरा अध्याय का दूसरा पाठ हम देखने जा रहे हैं तो जब हम बाइबल को देखते हैं ये प्रेरित के काम तीन अध्याय में यहाँ पे निरंतर पत्रस को हम देखते हैं कि पत्रस कैसे प्रकट होकर के एक एक करके कैसे प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दे रहा है और कैसे प्रभु यीशु मसीह की बातें लोगों को एक एक करके सिखा रहा है और समझा रहा है पत्रस ऐसा नहीं था कि पत्रस सच में लोगों को प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखा सके समझा सके पत्रस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु को पहचानता ही नहीं हूं ऐसा बोल देता था तो इसलिए कल हमने के के जीवन के तीन भाग के बारे में बात किया था आज इस भाग में जब हम पत्रस को देखते हैं ये वो पत्रस है जो परमेश्वर के बचन पर ही विश्वास करता है यह अभी पत्रस अपनी सोच अपनी भावनाएं उसको क्या ठीक लगता है उसको क्या ठीक नहीं लगता है ऐसी बातें को विश्वास भी नहीं करता और ऐसी बातों को बोलता भी नहीं है लेकिन एक समय था पत्रस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का वचन को ठीक लगता था परमेश्वर के वचन को ठीक बोलता था और जब उसको अपना सोच ठीक लगता था वो अपने तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था और जब उसको ठीक लगता था तब वो अपने सोच पर विश्वास करता था इस प्रकार से पत्रस जो है अपने जीवन को बिताता था तो पत्रस के जीवन को थोड़ा सा हम अगर पीछे जाके देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले का उसका जीवन है जो गाने के झील में लुका के पांच अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह उससे उससे मिले उससे पहले का जीवन प्रभु यीशु से मिलने के पहले का जीवन पतरस का क्या था पतरस उसके मन में जो भी सोच आते थे उस सोच को क्या करता था वो विश्वास करता था पतरस उसके मन में जो भी सोच आता था उसी सोच को विश्वास करता था उसी सोच के द्वारा चलाया जाता था इसके लिए जब हम उसको देखते हैं गाने शरद के झील में तो आइए लुका के पांच अध्याय में थोड़ा सा आज पत्रस के बारे में और थोड़ा देखेंगे ये स्पिरिचुअल लाइफ को सीखने के लिए हमने पत्रस के जीवन को सीखना भी बहुत जरूरी है तो पत्रस का जीवन बाइबल में बहुत ज्यादा दर्ज किया गया है इसके लिए जिसके बारे में ज्यादा दर्ज किया गया है उसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ना भी चाहिए क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा हमें क्या कर रहा है सिखा रहा है उसके द्वारा परमेश्वर हमें बातें बता रहा है उन बातों को हमने जानने की जरूरत है तो एक बार लुका के पांच अध्याय एक वचन की ओर जाके देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और वह परमेश्वर का वचन सुनाती सुनती थी और वह गानेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सि के झील झील के पर खड़ा है किनारे पर खड़ा है और वहां पे परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है और भीड़ उस वचन को सुनने के लिए घिर पड़ रही है कि उसने झील के किनारे दो नावों को लगी हुई देखी और मछुए उस पर से जाल आ, उतर कर जाल धो रहे थे और तीसरे वचन में जब हम देखते हैं उस नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा तो यहाँ पे वो समय है जब पहली बार प्रभु यशुम से पत्रस के नाव पे आए ये पहली बार है जब प्रभु यशुम से पत्रस के नाव पे आए उसके नाव में बैठे और ये पहली बार है कि प्रभु यशुम सिंह का शरमन सुन रहे हो प्रभु यशुम सिंह का मैसेज सुन रहे हो पतरस ने क्योंकि उस समय में पतरस को सारी रात मेहनत कर चुका था उसको कोई भी मछली नहीं मिला था और वो बस मछली नहीं मिला सुबह बहुत सारे सोच उसको सता रहे थे मेरे भविष्य का क्या होएगा मेरे जीवन का क्या होएगा मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा ऐसे अनगिनत सोच जो है पतरस को सता रहे थे तो ऐसे समय में पतरस ने क्या किया पतरस और कुछ नहीं कर सकता बस निराश होकर के खाली नाव में बैठा हुआ था बस जालियां धो रहा था और घर जाने की तैयारी कर रहा था अचानक प्रभु यीशु मसीह उसके नाव में आते हैं और कहते हैं कि उसमें से नाव पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसमें से विनती की, की किनारे से थोड़ा हटा चल तो पे इस वचन में जब हम देखते हैं उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसे उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे उसके नाव पर चढ़ा और नाव पर चढ़कर पहले प्रभु ने उपदेश दिया उसके बाद चार वचन में देखते हैं जब वो बातें कर चुका तो सुमन से कहा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह जो पत्र से मिले तो पहली बार जो प्रभु यीशु मसीह पत्र से मिले उसके जहाज नाव में बैठे और नाव में बैठ के पहले तो उसको विनती किया थोड़ा सा गहरे से थोड़ा अंदर लेके चल ताकि मैं लोगों को प्रवचन दूं लोगों को मैं वचन बताऊं तो उस समय में पतरस ने प्रभु यीशु यशु में बात को सुन के वो नाव को थोड़ा सा गहरे में थोड़ा अंदर किनारे से थोड़ा हटा लिया और किनारे से हटाया क्यों क्योंकि लोग प्रभु पर गिर रहे थे इसके लिए प्रभु ने अपने आप को किनारे से थोड़ा हटाया और समुद्र के बीच में से वहां से प्रचार करना शुरू किए और लोग जो है बड़ी भीड़ की भीड़ प्रभु के वचन को सुन रहे थे क्योंकि भीड़ एक दूसरे पर गिर रही थी वो समय में तो इस समय पतरस मैं था पत्रस जहां प्रभु यशु मसी जिस नाव पे खड़ा होकर के प्रभु यशु मसी वचन को प्रचार कर रहे थे उसी नाव में पत्रस बैठा हुआ था और पत्रस प्रभु का वचन ध्यान से सुन रहा था प्रभु असलत में क्या बोल रहा है तो यहाँ पे अद्भुत चीज क्या देखा मैंने क्या चीज ने पत्रस को ऐसा बनाया कि वो प्रभु की बातें सुनकर वो जाल को गहरे में मछली मछली पकड़ने के लिए जाल को गहरे में डालने वाला कैसे बन सका क्योंकि सटीकता से उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन को सुना है उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ध्यान से सुना है इसके लिए तीन वचन में यीशु ने उपदेश दिया ऐसा लिखा है तीन में यहाँ पे यीशु के उपदेश के बारे में लिखा है यीशु जहाज में बैठ के यीशु ने उपदेश को दिया है लेकिन चार वचन में देखेंगे तो ये उपदेश नहीं है चार वचन में यीशु ने पत्र से इंडिविजुअली बातें की तो यहाँ पे चार वचन में जब हम देखते हैं यीशु से इंडिविजुअली बातें की गई है तो यीशु से जब इंडिविजुअल बातें की वो इंडिविजुअल बात क्या है चार वचन में इंडिविजुअल बात है ये भीड़ को दिया हुआ उपदेश नहीं है तो भीड़ के उपदेश के बाद में यीशु ने पत्रस से व्यक्तिगत रीति से बात किया तो यहाँ पे वो व्यक्तिगत रीति का बात क्या है जब वो बातें कर चुके तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो ऐसा प्रभु मसीह शिमोन पत्रस से कह रहे हैं तो ये समय है पहली बार शिमोन पत्रस प्रभु मसीह का वचन सुन रहा है आज

और वो प्रभु का बात सुन रहा है प्रभु का वचन सुन रहा है और प्रभु ने उसे कहा जाल डाल मछली पकड़ने के लिए गहरे में ले जा और जाल डाल अभी सवाल ये है इससे पहले पतरस ने किसको सुन के जाल डाला फिर अपने सोच को सुन के इसका मतलब इससे पहले पतरस ने जो भी जिंदगी जिया कैसे जिया अपनी सोच के ऊपर विश्वास करके अपनी सोच को विश्वास करके वो अपने जीवन को अब तक जीता आया है तो ये संसार में जो लोग पाप और मृत्यु में जन्मे हैं उनके पास इंसान का सोच के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता उन लोग के पास बस मनुष्य के सोच होते हैं उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं होता लेकिन एक समय आता आता है है इंसान की जिंदगी में परमेश्वर का वचन जैसे पतरस की जिंदगी में परमेश्वर का वचन आया तो जब पतरस की जिंदगी में परमेश्वर का वचन आया तो पतरस ने जब प्रभु का वचन सुना वो वचन ऐसा था जो उसके समझ से बाहर था जब वो बातें कर चुका तो सिमन से कहा गहरे में लेचर चलो और मछले पकड़ने के लिए अपने जाल डालो यशु का ऐसा बात सुन के पत्थरस का क्या प्रतिशा था <स्था> शिमोन ने उसको उत्तर दिया हे hey स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं यह समय है कि पतरस प्रभु यशुम सिंह का वचन को सुनने वाला बन गया यह समय है कि पत्रस प्रभु यशुम सिंह के वचन को सुन रहा है और प्रभु यशम सिंह के वचन के बारे में वो क्या कह रहा है हे hey प्रभु हमने सारी रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा लेकिन तेरे कहने से मैं क्या करूंगा मैं जाल को डालता हूँ प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की मुझे कुछ नहीं मिला हे प्रभु सारी रात मैंने मेहनत की मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन अब तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। तो हमारी जिंदगी में भी ये समय आने की जरूरत होती है मैंने जो भी मेहनत किया वो काम नहीं किया इसके लिए प्रभु तेरा वचन जो कहता है मैं उसको सुनता हूँ इसलिए प्रभु तेरा ते वचन जो कहता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ प्रभु तेरा वचन जो कहता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ ऐसा हमारे आत्मिक जीवन में भी समय आना जरूरत है तो मैंने भी मेरे जीवन में अपने आप को पवित्र करने की बहुत कोशिश की बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को पवित्र करने की मछली पकड़ने, तो पकड़ने के लिए लेकिन पथरस को सारी रात के मेहनत में उसको मछली नहीं मिली और उसको मछली पकड़ने को नहीं मिला पूरा रात का मेहनत सब बेकार गया तो मैंने मेरे जीवन में बहुत साल पाप धोने के लिए काम किया उपास किया ऑफरिंग दिया पैसा खर्च किया ये किया वो किया जो कुछ इंसान कर सकता था जो कुछ इंसान से होता है सारी रात मेहनत की सारा, सारा 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 सब कुछ मैंने सारा किया लेकिन असले तो मैंने क्या देखा मैं मेरे पाप नहीं धो सकता मैं हार गया मैं जैसे पत्रस फेल हो गया मैं भी मेरे आत्मिक जीवन में पाप धोने को फेल हो गया दूसरा चीज मैं परमेश्वर की व्यवस्था पालन करने में फेल हो गया आप जानते हैं क्यों क्योंकि बाइबल के अनुसार पाप का मापदंड जब मैंने देखा पाप का मापदंड सच में बहुत भयंकर है हमारे अनुसार पाप का मापदंड क्या है अगर आप इंसानों को देखेंगे तो लोग कैसे अपने जीवन में पाप के मापदंड को रखते हैं उनके पाप के मापदंड को अगर हम बाइबल में देखें और उनके पाप ए उनके पाप के मापदंड को अगर हम लोगों के जीवन में देखें तो बहुत अलग अलग होगा लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में आप बहुत हैरान हो जाएंगे मैं सभी बातें पाप के बारे में मापदंड नहीं दिखा सकता मैं लेकिन एक मापदंड दिखाना चाहता हूं जो बाइबल में सटीकता से कहा गया है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना तो परमेश्वर ने यह दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा दी थी इंसान को तो इंसान जब व्यभिचार करता था उनको पता चलता था कि हमने पाप किया है हमने व्यभिचार किया है हमने पाप किया है हमने पापों से उद्धार पाने की जरूरत है हमने पाप से छुटकारा पाने की जरूरत है लोगों को इस प्रकार से पता चलता था लेकिन अभी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पहले के लोगों को तो पाप के बारे में कब पता चलता था जब वो व्यभिचार करे तो उनको पता चलता था उन्होंने पाप पाप किया वो पाप समझते थे उस समय में लोग लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आके पाप के डेफिनेशन को बदल दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप का डेफिनेशन सही सही क्या है समझना सही मायने में व्यभिचार को समझना है तो कैसे समझने की जरूरत है अगर तुमने व्यभिचार के पाप को समझना है तो व्यविचार का पाप तुमको कैसे समझने की जरूरत है जैसे इस वचन में लिखा है वैसे समझने की जरूरत है तो यीशु ने लोगों को व्यविचार का मतलब समझाया का 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 पाप पाप मतलब मतलब समझाया वो पाप का मतलब क्या था परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यविचार कर चुका है तो सबसे पहले मैंने क्या किया जब मैं मसीह बना जब मैं चर्च में जाने लगा जब मैंने प्रार्थना की और जब मैंने बपतिस्मा चिस्मा लेकर के बाइबल कॉलेज करके जब मैंने पास्टर बना तो मेरे मन में बहुत गमंड था इस बात का कि मैं नहीं करता तो मैं दूसरे लोगों को बहुत तुच्छ करता था और मैं सोचता था कि अभी हूँ पाप की समस्या नहीं है मैं सारे पाप की समस्याओं के ऊपर जीत जाऊंगा और मैं एक ऐसा इंसान बन के दिखाऊंगा परमेश्वर को कि मैं कोई पाप नहीं करता लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप के बारे में समझाया ये पाप का भाषा जो है पाप की परिभाषा जो है डेफिनेशन क्या है मैंने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा तो भी मैंने उसके साथ व्यभिचार कर लिया ऐसा परमेश्वर पाप के बारे में पहचान देते हैं तो मैंने अपने आप को बहुत चेक किया सचि में क्या सच में मैं किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखता हाँ मैं किसी से व्यभिचार नहीं किया हाँ मैं उस समय में जब मैंने बपतिस्मा लिया मैं मसीह बना उसके बाद में किसी में पहले जैसे मैं मसीह बनने से पहले मैं व्यभिचार किया या चोरी किया या इस प्रकार का गलत काम किया वैसा मैं मसीह बनने के बाद ऐसा गलत काम किया ऐसा नहीं था मैं बहुत सुधर गया मैं बहुत अच्छा बन गया मैं सोचता था अभी मैं, मैं, क्यूं? मैं, मैं, मतलब मैं ऐसे सोचता था लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि किसी स्त्री को तूने कुदृष्टि से देखा गलत नजर से तूने एक बार स्त्री को देख लिया तूने उसके साथ व्यविचार कर लिया तो जब मैं पाप के बारे में जब मैं बाइबल से सीखता गया तो ये पाप के बारे में जब मैं बाइबल से सीखता गया तो बाइबल जिस पाप के बारे में बताता है ये मेरे कर्मों के बारे में नहीं बताता है मेरे मन में जो पाप है उस पाप के बारे में बताता है कि कैसे मेरे मन में व्यविचार की लालसाएं हैं है। तो हालांकि मैंने मेरे शरीर से व्यविचार किया या नहीं किया उसके बावजूद मेरे मन के अंदर जो व्यविचार की लालसा है उस लालसा को देख के परमेश्वर क्या कहता है तू व्यभिचारी है तू पापी है तो ये पापी कहाँ पे जाएगा ये नर्क में जाएगा तो मैं इस नियम से जीत नहीं सका तो आज जो आप वचन सुन रहे हो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप मत्ती पांच अध्याय अट्ठाइस वचन पालन कर सकोगे व्यवस्था को सत्ताइस आप पालन कर लोगे ये सत्ताइस कौन पालन करते थे पता है आपको शास्त्रीय और फरीसी पालन करते थे तो ये सत्ताइस वचन शास्त्री और फरीसी पालन करते थे कि तुम सुन चुके हो कि वे मत करना तो आपको याद है कि योहाना का आठ अध्याय तो योना के आठ अध्याय में जब हम देखते हैं

इसके लिए उस स्त्री को पकड़ते हैं और वो स्त्री को यीशु के, ले के से कहते हैं, ये लेके जाकर में हमें ऐसी स्त्री के प्रति कहा है कि उसको पथराव करके तुम इसको मार दो लेकिन यीशु तू उसके बारे में क्या कहता है तो यीशु ने मारो या मत मारो मत नहीं लेकिन कहा लेकिन यीशु ने अट्ठाईस वचन कहा अट्ठाईस वचन में क्या है परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि कोई जो, जो, कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो मन में उनसे व्यविचार कर चुका है तो ये वचन के द्वारा यीशु ने उनके मुंह को बंद करवा दिया तो उस समय में यीशु ने क्या पूछा उनसे हाँ मुसा ने कहा है व्यविचार करने वाले को पत्थर से मार दो और मार डालो ऐसा कहा है लेकिन मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूं तुम में जो निष्पाप हो वही उसको पहले पत्थर मारो तुम में जो निष्पाप हो वही तुम पहले तुम उसको पत्थर मारो तो उस समय बाइबल में लिखा छोटे से लेकर बड़ा तक सब निकल के चले गए क्यों वो लोग चले गए क्योंकि वो लोग भी अपने आप को निष्पाप नहीं बोल सकते थे वो लोग भी निष्पाप नहीं थे लेकिन वो वो लोग लोग पाप के बारे में कैसा वो लोग समझते हैं बस करना ही वो लोग पाप समझते हैं तो आज भी हमारे साथ भी यही शास्त्रीय जैसा ही दशा है तो हम लोग सोचते हैं बस व्यविचार करना चोरी करना और जो चीज जो अन्य जाति के लोग करते हैं वो अन्य जाति के जो लोग करते हैं वही हम करते हैं तो वो पाप है हम लोग बस उतना ही समझते हैं और अन्य जाति लोग जो करते हैं उनको हम सोचते हैं कि वो लोग गलत है और जो लोग चोरी करते हैं विचार करते हैं हम उन्हीं लोगों को पापी बोलते हैं लेकिन पाप के बारे में परमेश्वर क्या बोलते हैं ये वचन में अगर आप देखो तो यहां पे लिखा हुआ है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसे वे कर चुका है तो यहाँ पे सच में हमने अपने मन में कभी गलत विचार नहीं लाया क्या हमने हमारे मन में कभी कोई गलत सोच नहीं लाया है क्या तो फिर कौन है हम परमेश्वर की आंखों में हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन दिखाई देते हैं हाँ हम लोग व्यविचार ही दिखाई देते हैं वो व्यविचार करने वाला और व्यविचार नहीं करने वाला ये दोनों को किसकी जरूरत है यीशु के लहू की जरूरत है ये दोनों को किसकी जरूरत है यीशु के द्वारा जो पापों की क्षमा है वो पापों की क्षमा इन्होंने स्वीकार करने की जरूरत है इन दोनों को किसकी जरूरत है यीशु के द्वारा जो उद्धार है वो उद्धार को इन दोनों को पाने की जरूरत है लेकिन समस्या क्या है जिन्होंने इन्होंने व्यभिचार किया है वो लोग तो सोचते हैं हाँ सचिव में मैंने कुछ तो गलती किया लेकिन जो लोग व्यविचार नहीं किए जिन्होंने सिर्फ कुदृष्टि से देखा है वो लोग सोचते हैं नहीं मैं वो व्यविचार किया उससे तो मैं बेहतर हूं इस प्रकार का जो हृदय होता है वो हृदय सच्चे में पापों की क्षमा का जो संदेश है बाइबल में जो उद्धार है बाइबल में वो उद्धार तक लोग पहुंच नहीं सकते हैं वो उद्धार तक लोग मिल नहीं सकते हैं तो जब मैं अपने जीवन को भी जब मैं देखता हूं मैं भी हार गया कहा हारा इस वचन के आगे हार गया पतरस कहाँ हार गया सारी रात मछली पकड़ने में हार गया एक समय होता है हम लोग हारना जरूरी है तो आप कभी हारे हैं क्या <laughs> कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो अगर आप हारोगे तो आप सुनना शुरू करते हो इसके लिए हार हमेशा बुरा है ऐसा नहीं है फेलियर हमेशा बुरा है ऐसा नहीं है हार और फेलियर अगर हमको परमेश्वर को सुनने वाला बना दे तो ये कितना अच्छा है व्यविचार में पकड़ी गई स्त्री ने यीशु को सुना और उसने उद्धार पाया हालांकि बाकी और फरीसियों ने बेबीचार जैसा बड़ा, बड़ा भयंकर पाप नहीं किया लेकिन वो लोग ने भी यीशु को मिल के पापों से तो क्षमा नहीं पाया तो इसलिए वो लोग जो है यीशु को छोड़ के चले गए लेकिन व्यविचार में पकड़ी गई स्त्री वहीं यीशु के पास खड़ी थी ताकि वो स्त्री सुन सुन सके यीशु से यीशु मुझ व्यविचार में पकड़ी गई स्त्री के लिए आप क्या कहते हो आप क्या दंड देते हो आप क्या कहते हो तो उस समय में यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता क्यों यशु ने इसको इसके पाप की दंड की आज्ञा नहीं दी क्योंकि इसको इसके इस पाप की दंड की आज्ञा यशु ने वो दंड को अपने ऊपर लिया इसके लिए यशु उस स्त्री को दंड नहीं दे सकता था इसलिए यशु ने उसे दंड नहीं दिया इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का बेटा दोषी ठहराने के लिए नहीं उद्धार करने के लिए आया है मुक्ति देने के लिए आया है अब सोचिए इसके बारे में तो यहाँ पे जब मैंने ये अट्ठाईस वचन को देखा हा सच में मैं हार गया किस बात में हार गया मैं पाप नहीं करूंगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं अच्छा जीवन जीऊंगा और मैं आशीर्वाद पाऊंगा मैं पाप किए बिना स्वर्ग में जाऊंगा ये ये जो 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 मेरे अंदर मनस्थिति मनस्थिति थी पाप नहीं करके स्वर्ग जाने की जो है इस मनस्थिति से मैं हार गया जो अपने हाथों से अपने ताकत से पूरी रात मेहनत करके मछली पकड़ना चाहता था लेकिन वो फेल हो गया उसको वो सारी रात मेहनत की लेकिन उसको कुछ नहीं मिला उसने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं किया मैं भी पाप ना करके पवित्र बनने के लिए पांच साल मेहनत किया लेकिन मैं फेल हो गया मैं पवित्र नहीं बन सका भले मैंने व्यविचार नहीं किया लेकिन मैंने किसी को खुद दृष्टि से नहीं देखा तो मैं ये बोलने की साहस नहीं कर सकता तो उस समय में जब मैंने किसी को खुद दृष्टि से देखा मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या बन चुका था मैं तो व्यभिचारी बन चुका था उस समय मैंने क्या करने की जरूरत थी उस समय में जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में जो छुटकारा है प्रभु यीशु के लहू में जो पाप धुलते हैं प्रभु यीशु के लहू जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं प्रभु यीशु जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए मैं अगर उस यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ अपने कर्मों पे नहीं अपने मेहनत पे नहीं तो मैं क्या हो सकता था जैसा पत्रु का वचन सुन के गहरे में जाता है जाल डालता है और उसको मछलियां मिलती है वैसे अगर मैं प्रभु येशु के वचन को सुन के अगर मैं प्रभु के सुसमाचार को सुनू अगर प्रभु यशु मसीह के बलिदान को मैं विश्वास से ग्रहण करूं तो मैं पापी क्या बन सकता था मैं धर्मी बन सकता था लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम था यह भी नहीं मालूम था इसलिए उन दिनों में हम चर्च जा करके क्या सीखते थे हम पापी हैं इसके लिए हमने क्या करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ऐसे हम दस आज्ञा सीखते थे उन दस आज्ञा में से एक आज्ञा होती थी झूठ मत बोलो लेकिन हम पहले ही झूठ बोलने में हम हारे हुए हैं चोरी मत करो वे विचार मत करो ये सारी आज्ञाएं जो एक, एक एक करके जब हम उन आज्ञाओं को देखते हैं ये सारी आज्ञाओं के प्रति हम पहले क्या हो चुके हैं हार चुके हैं लेकिन हमने चर्च में जाके क्या सीखा परमेश्वर के उन दस आज्ञाओं का पालन करने का कोशिश करो जितना तुम पालन करने की कोशिश करोगे उतना तुम पालोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम आज्ञाओं का पालन करोगे तुम लोग को आशीर्वाद मिलेगा तुम लोग आशीर्वाद पाओ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद

दूसरे अध्याय उसके दस वचन में मैंने गहराई से देखा याकूब उसका या अध्याय दस वचन अगर आप देखेंगे तो ऐसा लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चुप जाए तो सब बातों में दोषी ठहरता है आप अपने स्क्रीन में अच्छा से पढ़ लीजिए इसको इसमें लिखा है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है इसका मतलब दस जो मुख्य आज्ञाएं हैं अगर मैं उन दस मुख्य आज्ञाओं को पूरी रीति से पालन किया लेकिन उसके भी उसमें एक के बारे में मैं चुप गया कौन से बारे में चुप गया झूठ मत बोल इसमें चुप गया या लालच मत कर उसमें चुप गया या फिर हाँ ना, ये ना, आ, चोरी मत कर उसमें चुप गया अगर सब पालन किया लेकिन एक में अगर मैं चुप गया तो मैं दोषी कितनों में ठहरूंगा मैं सब में दोषी ठहरूंगा एक दिन मैं हैरान हो गया इस बच्चन को देख के हाँ मैं व्यवस्था में पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर की दस आज्ञाओं का पालन करके मैं सच में स्वर्ग में जाना चाहता हूं। चाहता हूं। मैं चाहता हूं। मैं 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 धर्मी बनना बनना पवित्र लेकिन वहां भी फेल हो गया परमेश्वर की सारी व्यवस्था पालन नहीं कर सकता था सारी एक भी चुके बिना सारी व्यवस्था पालन नहीं कर सकता था तो जो लोग व्यवस्था को पालन करके धर्मी बनना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं दस आज्ञाओं का पालन करके धर्मी बनना चाहता है और जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके वो इंसान अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके अगर वो इंसान धर्मी बनना चाहता है परमेश्वर का आशीर्वाद पाना चाहता है तो क्या करना चाहिए एक के बारे में भी चुकना नहीं चाहिए अब ये वचन को ध्यान से देखो क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था पालन करता है परंतु एक ही बात में चुक जाता है तो वह सब बातों में दोषी ठहराया जाता है ये बहुत ही बाइबल में बहुत ही सटीक जजमेंट है हमने जजमेंट को अपने मन में स्वीकार करना यह जजमेंट मेरी जिंदगी में मेरे में बहुत हेल्प तो किया तो है एक पापी कैसे धर्मी बनता है ना तो मैं पाप किए बिना रहता हूँ ना तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था ऐसा लगता है मैं व्यवस्था को पालन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं बोलू मैं पाप नहीं करता तो अगर मैं पाप नहीं करता मैं कौन से स्तर का पाप नहीं कर रहा हूँ जैसे व्यविचार नहीं कर रहा हूँ चोरी नहीं कर रहा हूँ खून नहीं कर रहा हूँ ऐसे पाप नहीं कर रहा हूं मैं लोग नहीं देख सकते मुझे पाप करते हुए मैं भी अपने आप को नहीं देख सकता पाप करते हुए लेकिन यीशु ने जो पाप कहा वो क्या है किसी को कुदृष्टि से देखा तुम उसके साथ व्यविचार कर चुके अगर इस नियम के आगे खड़े रहेंगे तो हम में से ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया हम ये माने बिना नहीं रह सकते हम सब ने पाप किया हम ये माने भी ना हम मान ही सकते हैं हम मान ही सकते हैं कि हमने सबने पाप किया है इस बात को हम मान सकते हैं दूसरा मैं व्यवस्था को पालन करता हूं क्या बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन वो लोग लोग पहली बात तो वो पाप में हारे हुए नहीं है हालांकि हारे हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं इसके लिए वो लोग पाप को जीतने का कोशिश करते हैं पाप से लड़ने का कोशिश करते हैं और चिल्लाते रहते हैं रोते रहते हैं गाते रहते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर उनको एक दिन मदद करेगा और अंत में उन लोग को जब परमेश्वर के द्वारा कोई मदद नहीं मिलता जब वो परमेश्वर के द्वारा कोई काम देख नहीं सकते उस समय में वो लोग क्या करते हैं हाँ मैं चुना हुआ नहीं हूँ परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ नहीं है हाँ मैं परमेश्वर का ग्रहण योग्य नहीं हूँ परमेश्वर मुझे स्वर्ग नहीं देना चाहते हैं परमेश्वर मुझे उद्धार नहीं देना चाहते हैं शायद मैं बुलाया हुआ तो हूँ लेकिन मैं चुना हुआ नहीं हूँ ऐसा करके वो लोग निराशा के गर्त में गिर जाते हैं ऐसे करके वो लोग फिर विश्वास का जीवन छोड़ देते हैं ऐसा करके वो लोग लो स्पिरिचुअल लाइफ त्याग देते हैं ऐसे बहुत सारे लोग मैंने मेरे जीवन में देखे हैं क्यों कि उन्होंने उन्होंने को ठीक रीति से समझा ही नहीं तो बाइबल इसलिए नहीं दिया गया प्रियो कि आपको सिखाए कि पाप कैसे नहीं करना है आप पाप मत करो बोलने के लिए बाइबल नहीं लिखा है बाइबल का जरूरत नहीं है आपको ये सीखने के लिए अपने पाप नहीं करना चाहिए अब देखिए जन्म से लेकर के आप कैसे सीखते आए हो जन्म से लेकर के आप सीखते आए हो अपनी माँ से बेटा आप झूठ मत बोलो बेटा आप झगड़ा मत करो लेकिन आप अपनी आंखों से देखते हो आपके माँ बाप भी झूठ बोलते हैं आपके माँ बाप भी झगड़ा करते हैं आप इन आंखों से देखते हुए पल रहे हो और बढ़ रहे हो और जो आप सीख रहे हो आपको खुद को बहुत मजाक किया लगेगा ये वेरी फनी हाँ बहुत मजाक किया है एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला झूठ बोलोगे तो तुम नर्क में जाओगे तो बात को मैंने विश्वास किया था मैं वो बात को मेरे मन में मान लिया था तो मैं रियली really जब मैंने प्रैक्टिकली जब मैंने झूठ बोला मैं वो रात भर सो नहीं सका मैं बहुत डरा हुआ था क्यों क्योंकि मैंने पाप किया और मेरे पास वो पाप का नॉलेज था कि मैंने पाप किया तो मैं कहा जाऊंगा नरक जाऊंगा ये ज्ञान भी था इसके लिए मैं रात भर सो नहीं सकता था तो मैंने सुबह उठ के जाकर के मां का हाथ पकड़ा और मैंने मां को क्या पूछा मां आप झूठ बोलती है क्या नहीं तो उस समय में सच में जैसे कि एक एक, एक चैलेंजिंग करने वाला बात था ये लेकिन मैंने पूछा माँ आप झूठ बोलती हैं क्या नहीं तो उस समय में क्या हुआ आप जानते हैं मेरी माँ ने कहा हाँ, मैं भी झूठ बोलती हूं लेकिन मैंने माँ को नर्क में, जाने के में नहीं देखा। मेरे मुझे नर्क का डर था लेकिन जब मैंने मेरी माँ को देखा उनके मन में नर्क का डर नहीं था लेकिन जब मैंने उनसे पूछा आप झूठ बोलते हैं वो बोलते हैं झूठ बोलते हैं लेकिन मैंने पूछा आप नर्क जाने का डर है आपके पास हाँ, नहीं तो उस समय मैंने क्या जाना लोग मुझसे तो बोलते हैं पाप करने वाले नर्क जाते हैं ऐसा लोग मुझसे बोलते तो हैं लेकिन वो लोग अपने मन में मानते नहीं वो लोग इस बात को अपने मन में विश्वास नहीं करते अगर आप लोग सच्चे में इस बात को विश्वास करते हो कि पाप करने वाला इंसान नर्क में जाता है तो जब आप पाप करते हो तो आप क्या करते हो आप पाप करते हो तो क्या करते हो आप बोलोगे नहीं पास्टर जी हम रोते हैं प्रार्थना करते हैं पापों की क्षमा मांगते हैं आप ऐसा बोलोगे लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्या परमेश्वर आपको कहे हैं ऐसा करने से आपके पाप धुल जाएंगे आपके रोने से आपके पाप धुल जाएंगे आपके क्षमा मांगने से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे या फिर पाप की सजा मौत ये चुकानी पड़ेगी या फिर पाप लहू बिना क्षमा नहीं होता ये बात को मानना पड़ेगा विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देर इज नो ऑफ सिन आप सोचिए इसके बारे में सही है तो आज बहुत सारे लोग अपने तरीके से अपने आत्मिक जीवन बनाते हैं अपने तरीके से बाइबल को अप्लाई कर लेते हैं अपने तरीके से बाइबल को प्रचार कर लेते हैं अपने तरीके से उनको जो करना है वो वो करेंगे लेकिन उसके द्वारा वो लोग नरक से बच सकेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है नरक से बचना है तो मैंने ये बाइबल को सटीक तरीके से मानने की जरूरत है जैसा लिखा है वैसा तो यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चुक जाए तो सब बात में दोषी ठहरता है तो व्यवस्था तो 613 नियम और आज्ञाएं दी गई है बाइबल में अगर व्यवस्था की पुस्तक को अगर आप देखोगे हाँ जहां पे परमेश्वर ने नियम दिए हैं नियम और कायदे दिए हैं उन नियम और कायदों में 613 नियम और कायदे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसे दो भाग में नियम और कायदे हैं तो वो कायदों में तुमने क्या करना चाहिए तुमने क्या नहीं करना चाहिए छह है वो छह में से आपको तेरह भी याद नहीं रहेंगे छे तो ऐसे नियम और ऐसे कायदे हैं कि जो आपको मालूम भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपको कायदा वो नियम ही मालूम नहीं है बिना कायदा नियम मालूम हुए आप कायदा नियम तोड़ रहे हैं ये भी आपको पता नहीं चलता फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आसाम में रहता हूँ गुवाहाटी में यहाँ पे हमारे यहाँ पे हेलमेट लगाना ये कंपलसरी नहीं है लेकिन जब मैं मुंबई में रहता था मुंबई में रहता था तो मुंबई में हेलमेट कंपलसरी कंपल था तो सपोज मैं आसाम से जब मैं मुंबई जाता हूँ अगर मैं आसाम को मेरे दिलो दिमाग में रख के जब मैं मुंबई के ट्रैफिक में बाइक चलाने के लिए जाऊंगा तो वहां पे जब मैं बाइक चलाऊंगा या मैं कार चलाने जाऊंगा वहां सीट बेल्ट कंपलसरी है हम आसाम में सीट बेल्ट पहनते हैं लेकिन सीट बेल्ट के बारे में अभी तक मुझे कभी किसी पुलिस ने पकड़ा नहीं मुझे पता नहीं यहाँ पे नियम है या नहीं लेकिन नियम अभी सपोज मुंबई में बेल्ट नहीं लगाना ये क्या है गुना है अगर पुलिस ने मुझे देखा मैं बेल्ट नहीं लगा रहा हूँ उस समय में वो मुझे केस कर सकते हैं मुझे दोषी ठहरा सकते हैं सही है ना उसी रीति से अगर मुंबई की पुलिस अगर आसाम में आ जाती है और आसाम में अगर ऐसा नियम नहीं है कि सीट बेल्ट लगाने नहीं लगाना गुना है ये अगर आसाम में नियम नहीं है तो भले वो पुलिस इधर आ जाए वो पुलिस मुझे नहीं बोल सकते तुम गुनेगार हो क्योंकि आसाम जो स्टेट हमारा है इस स्टेट में अगर आ, आ, कार के बेल्ट को नहीं लगाने से आपको गुनाह है अगर ये ऐसा नियम नहीं है तो मैं गुनाह नहीं मैं गुनागार नहीं कहलाता वैसे व्यवस्था अगर आपसे बात नहीं करेगी तो व्यवस्था के बिना आपको गुनाह और दोष कभी भी समझ में नहीं आता तो फिर परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी जो व्यवस्था हम पूरी रीति से निर्दोष रीति से पालन नहीं कर सकते व्यवस्था देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है व्यवस्था देने के पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा क्या करना चाहता था इंसान को पाप का पहचान करके देना चाहता था तो जब हम देखते हैं आज हमने देखा कि याकूब के दो वचन में क्या लिखा है सारे व्यवस्था पालन किया और एक के बारे में छुप गए तो तुम सारे विषय में क्या हो गए दोषी हो गए तो फिर व्यवस्था क्यों किया मुझे दोषी ठहराने के लिए नहीं अगर व्यवस्था देने का सही अर्थ हुआ अगर आप देखेंगे तो लिखा है के में क्योंकि व्यवस्था कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है तो ये परमेश्वर का उद्देश्य है व्यवस्था देने के पीछे व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर मुझे मेरे पाप का पहचान करके देना चाहता है ठीक है तो परमेश्वर मैं पाप में जन्मा हूं इसके लिए मैं पाप को जीत नहीं सकता लेकिन इस संसार के लोग बस पाप से जीतने का कोशिश करते हैं दूसरा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया इंसान को उनके पाप का पहचान होने के लिए लेकिन लोग व्यवस्था के द्वारा अपने पाप का पहचान करने के बदले वो व्यवस्था को पालन करके धर्मी बनने का कोशिश करते हैं लेकिन बाइबल में क्या लिखा है व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा क्यों व्यवस्था के द्वारा धर्म में ठहरने के लिए आपको व्यवस्था में एक भी गलती नहीं करना है व्यवस्था ऐसा है परमेश्वर का परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध व्यवस्था है सिद्ध सिद्ध व्यवस्था को आप आप रीति से पालन कर सकेंगे क्या क्या आपके पूरे जीवन में आप एक बार भी झूठ बोले बिना रह सकते हैं क्या पूरे जीवन में आप एक बार भी लालच नहीं करेंगे क्या पूरे जीवन में एक बार भी आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या पूरे जीवन में आप किसी को गलत नजर से देखोगे नहीं आप सोचो इसके बारे में तो सारी व्यवस्था का पालन करके एक के बारे में जब हम छुप जाते हैं हम सारी व्यवस्था के प्रति क्या बन जाते हैं गुनागार बन जाते हैं हम दोषी बन जाते हैं ये परमेश्वर का वचन है हम ऐसे गुनेगार बनते हैं हम ऐसे दोषी बनते हैं तो इंसान ऐसे दोषी बन जाता है इंसान एक ऐसे गुनागार बन जाता है इंसान ऐसा बन गया ठीक है तो अभी अभी समस्या क्या है यहाँ पे अगर हम सटीकता से एक एक करके इन बातों को देखेंगे तो लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी अगर उनको पता चले कि व्यवस्था के द्वारा हमको धर्मी ठहरने का रास्ता नहीं है अगर व्यवस्था से मुझे धर्मी ठहरना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे सारी व्यवस्था ठीक ठीक रीत से पालन करनी पड़ेगी सारी व्यवस्था पालन करनी पड़ेगी अगर व्यवस्था से धर्मी ठहरना है तो तो अगर व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकता हूं ये जानने की जरूरत है मतलब मैं कहा हारने की जरूरत है मैं व्यवस्था में भी हारने की जरूरत है वहां से यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में होता है उससे पहले यीशु मसीह से मिलना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है यीशु मसीह से हम सटीकता से मिल भी नहीं सकते क्यों क्योंकि ना तो हम लोग अभी तक व्यवस्था को ठीक रीति से मिले भी नहीं है तो व्यवस्था के द्वारा हमने हमारे जीवन के हार और फेलियर को सटीकता से हमने जानना है तो जैसे पत्रस ने जाना हमें सारी रात मेहनत किया लेकिन मुझे कोई मछली नहीं मिला उसी रीति से मैंने पूरा मेहनत किया पाप नहीं करने का मैंने पाप किया मैंने पूरा मेहनत किया व्यवस्था को पालन करने का लेकिन मैं निर्दोष नहीं हुआ मैं दोषी का दोषी ही था मैं पापी का पापी था इसके लिए मैं क्या बन गया मैं प्रभु पाप क्षमा करो प्रभु पाप क्षमा करो बोलने वाला बन गया तो लेकिन फिर अब एक पापी धार्मिक कैसे बनेगा पापी धार्मिक बनने का रास्ता है पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं ये क्या है बिना व्यवस्था का परमेश्वर का धार्मिकता एक धार्मिकता है जो आप व्यवस्था को पालन करके आप धर्मी बनते हो दूसरी धार्मिकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मिलने वाली धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करके मिलने वाली धार्मिकता यह धार्मिकता व्यवस्था के साथ में नहीं मिलता व्यवस्था से परे व्यवस्था से अलग होकर ही मिलता है इसके लिए आपका आत्मिक जीवन क्या जरूरत है आप व्यवस्था से अलग होने की जरूरत है इसलिए तीन अध्याय इक्कीस वचन में क्या लिखा है पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है यहाँ पे हिंदी बाइबल में बिना व्यवस्था लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश बाइबल में बहुत साफ रीति से लिखा है अपार्ट फ्रॉम द लॉ अपार्ट फ्रॉम द लॉ व्यवस्था से अलग अपार्ट फ्रॉम द लॉ ये जो थोड़ा ये हम लोग जो कंप्यूटर में जो बाइबल यूज करते हैं थोड़ा बाइबल के ट्रांसलेशन में थोड़ा थोड़ा कहीं कि वो शब्द को ऐसा उलट पुलट करके लिखा गया है लेकिन जो बाइबल सोसाइटी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है या के जे किंग जेम्स वर्जन है न्यू किंग जेम्स वर्जन है उनमें हम सटीकता से, से इस वचन को देखेंगे तो वहां साफ रीति से लिखा है अपार्ट फ्रॉम द लो मतलब व्यवस्था से अलग व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है वो धार्मिकता सबके लिए है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो यीशु पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा तो पापी पाप ना करके धर्मी बनेगा या पापी व्यवस्था को पालन करके धर्मी बनेगा या पापी यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी बनेगा मैं फिर से दोहराता हूं पूछता आपको, आपको हूं आप सटीकता से परमेश्वर पाप पापी वो पाप नहीं करने से धर्मी बन जाएगा या ये पापी परमेश्वर की दस आज्ञाओं को व्यवस्था को पालन करके धर्मी बन जाएगा या ये पापी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा जो यीशु हमारे पाप के लिए मरा क्रूस पर जो यीशु हमारे पाप को अपने लहू से दो दिया और उसके लहू से जिसने हमको धर्मी ठहराया वो धर्मी ठहराने वाले यीशु पर विश्वास करके धर्मी बनेगा ये आप सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान पाप ना करके धर्मी बनता है ऐसा नहीं है इंसान व्यवस्था पालन करके धर्मी बनता है ऐसा नहीं है इंसान यशु मसीह पर विश्वास करके व्यवस्था से अलग यशु मसीह पर विश्वास करके वो धर्मी ठहरता है आ, ये है ये रोमियों उसके तीन अध्याय 21 वचन में क्या लिखा है और बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही भविष्य और व्यवस्था देता है अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं क्यों कुछ भेद नहीं क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है लेकिन परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं सेंतमेंट धर्मी ठहराए है जाते हैं तो इस तरीके से एक इंसान धर्मी ठहरता है तो पत्रस अपने सोच विचार के पीछे चल के मछली पकड़ता है या फिर पत्रस यीशु मसीह के बचन को विश्वास करके मछली पकड़ता है ये समय अलग अलग पत्रस का दिखाई देता है ये समय हमारे जीवन में आने की जरूरत है एक समय है जो हम यीशु के वचन पे विश्वास किए बिना हम धर्मी बनना चाहते हैं तो इब्राह दस अध्याय को अगर आप देखोगे तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे वचन दस दस में कभी पवित्र नहीं बन सकता मैं पापी का पापी ही रहूंगा और मैं नरक में ही जाऊंगा मेरे लिए नरक निश्चित है जब मैंने ऐसे सोचा उस समय में परमेश्वर ने उसके सेवक के द्वारा मुझे वचन दिखाया कि मैं पवित्र नहीं हो सकता इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया यीशु मसीह को मेरे लिए बलिदान होने के लिए भेजा तो यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो करके यीशु ने मुझे क्या कर दिया पवित्र कर दिया तो यह लिखा है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं तो हम यीशु मसीह ने जब अपना देह क्रूस पर बलिदान कर दिया उसी समय में हम पवित्र हो गए तो आज हम पवित्र है कैसे मानेंगे फिर आपको पवित्र है मानने के लिए मुश्किल है ना तो आप कैसे पवित्र है ये मानेंगे मैं नहीं मानता था मैंने हालांकि इब्रानियों अध्याय वचन दिखाया परमेश्वर के दास ने मुझे देखो तुम अपने कर्मों से पवित्र नहीं हो सकते हो तुम पाप ना करके पवित्र नहीं हो सकते हो तुम व्यवस्था को पालन करके पवित्र नहीं हो सकते हो लेकिन मसीह के शरीर के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा जो तुमको पवित्र किया गया है उस यशु पर विश्वास करोगे तो तुम पवित्र हो सकते हो ऐसा जब मुझे प्रचार किया गया तुम पाप ना करके पवित्र नहीं बन सकते तुम व्यवस्था को पालन करके पवित्र नहीं हो सकते लेकिन तुम यीशु मसीह के देह जो तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान होके यीशु ने अपने ही बलिदान के द्वारा तुमको पवित्र किया है और अपने ही लहू के द्वारा उसने तुम्हारे पाप धोके तुमको धर्मी और पवित्र किया है उस यीशु पर विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहर सकते हो तुम पवित्र ठहर सकते हो और तुम स्वर्ग में जा सकते हो आमीन लेट्स थिंक अबाउट दिस आइए सोचिए इसके बारे में तो लोग कैसे धर्मी, धर्मी बनना चाहते हैं पाप ना करके धर्मी बनना चाहते हैं लोग कैसे पवित्र बनना चाहते हैं लोग पाप ना करके पवित्र बनना चाहते हैं लोग कैसे स्वर्ग में जाना चाहते हैं अच्छे इंसान बन के स्वर्ग में जाना चाहते हैं लेकिन स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं कैसे एक पापी पवित्र हो सकता है क्या पाप ना करके पवित्र हो सकता है क्या व्यवस्था का पालन करके पवित्र हो सकता है या यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके पवित्र हो सकता है या यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके धर्मी बन सकता है तो मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूँ तो आप पापी क्यों है आप पाप करते हैं इसके लिए पापी है या आप व्यवस्था पालन नहीं कर सकते इसीलिए आप पापी है या आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं इसके लिए आप पापी हैं या आप यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के, के द्वारा जिस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है अब देखिए इब्राहियो उसके दस अध्याय दस दस वचन में क्या लिखा है इब्राहिय दस अध्याय दस वचन में लिखा है यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं तो आप पवित्र क्यों नहीं हैं आप पापी क्यों हैं आप पाप करते हैं इसके लिए पापी हैं या आप दस आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप पापी हैं या आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते जिस यीशु ने अपना ही शरीर क्रूस पर बलिदान करके आपको पवित्र कर दिया उस यीशु पर विश्वास नहीं करते इसके लिए आप पापी हैं ये बात आपको जानने की जरूरत है तो आज मैंने आप लोग को कुछ सवाल पूछे हैं इन सवालों को आप सोचिए अपने आत्मिक जीवन में मैं पापी हूं तो क्यों पापी हूं मैं पाप करता हूं इसके लिए मैं पापी हूं या मैं व्यवस्था को पालन नहीं करता हूं इसके लिए मैं पापी हूं या मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे पाप को अपने सर पर उठा के वही क्रूस पर बलिदान होके उसके शरीर के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा जो मैं पवित्र किया गया हूँ उसने मेरे को मैंने उस यशु को विश्वास नहीं किया जिसने मुझे पवित्र किया इसके लिए मैं पापी हूँ तो लोग आज पापी क्यों है यशुम मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं इसके लिए पापी है तो यशुम मसीह के बलिदान पर विश्वास करना मतलब क्या है इब्रानियों अध्याय वचन पर विश्वास करना कि उसी से हम मसीह के देह के एक ही बार बलिदान जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं तो एक दिन मैं नहीं मानता था तो प्रभु से मैंने प्रार्थना किया मैं कैसे शुद्ध हूँ मैं कैसे पवित्र हूँ मैं कैसे धर्मी हूँ कैसे हो सकता है ऐसे कैसे ऐसे में पूछता था तो उस समय प्रभु ने मुझे योहन्ना उसके पंद्रह तीन वचन के द्वारा अपना मन दिखाया वो क्या था तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो।, तो हो तुम शुद्ध हो क्यों शुद्ध हो मैंने तुमसे वचन कहा इसके लिए तुम शुद्ध हो तो मैंने परमेश्वर ने मुझे कहा जो वचन मैंने तुमसे कह दिया उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो ठीक है तो अभी पतरस को यीशु क्यों पतरस को मछली क्यों मिला क्योंकि यीशु ने अपना वचन कह दिया उसको मछली मिल गया तो पतरस की जिंदगी में जब पतरस ने यीशु यीशु का वचन को सुना तो यीशु का वचन सुनने के बाद पतरस को क्या मिला पतरस ने लुका के पांच अध्याय को एक बार देखेंगे वहां पे इस बात को देखेंगे कि कैसे पतरस को मछली मिल रहा है ठीक है जब वो बातें कर चुका तो शमुन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो तो यीशु ने अपना वचन कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल उसके बाद पांच वचन में शिमुन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा ये समय है पत्रस ने प्रभु मसीह को बोला तेरा बात मैं सुनूंगा तेरा वचन मैं सुनूंगा तेरा वचन मैं स्वीकार करूंगा तेरा वचन में तू कहता है ना जाल डालने के लिए गहरे में मैं डालूंगा प्रभु तेरे वचन में तू कहता है ना यीशु मसीह के के शरीर एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से मैं पवित्र हूँ मैं मानूंगा प्रभु तेरे वचन में तू कहता है ना तेरे वचन के कारण मैं शुद्ध हूँ मैं मानूंगा प्रभु रोमियो उसके पांच अध्याय उसके नव वचन में कहता है ना यशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूँ प्रभु मैं धर्मी हूँ

लोग प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं जो वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह के शरीर के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से तुम लोग पवित्र किए गए हो इसका मतलब क्या है लोगों ने अपने आत्मिक जीवन का पहला स्तर भी शुरू नहीं किया है लोग कैसे जी रहे हालांकि चर्च में जा रहे हैं बाइबल पढ़ रहे प्रार्थना कर रहे हैं बाइबल कोई प्रचार कर रहे हैं लेकिन मन की गहराई में अगर देखेंगे तो पतरस की तरह वो जिंदगी जी रहे जो अपने सोच को विश्वास करके अपने सोच को विश्वास करते हैं इसलिए उनका सोच उनको कहता है तू पापी है वो मानते हैं मैं पापी हूं। उनका सोच उनको कहता है तू अधर्मी है वो मानते हैं उनका सोच उनको जो बोलता है उसी को मानते हैं लेकिन अगर वो अपना सोच को नहीं विश्वास करके पत्रस की तरह अगर कहेंगे प्रभु मैंने पवित्र होने का बहुत कोशिश किया लेकिन मैं पवित्र नहीं हो सका लेकिन आज तेरा वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो प्रभु आमेन मैं पवित्र हूँ प्रभु मैंने पूरी कोशिश की पवित्र होने की लेकिन प्रभु मैं पवित्र नहीं हो सका लेकिन तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह के दया के एक ही बार क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं तो प्रभु आमीन मैं कहता हूँ कि मैं पवित्र हूँ ये पहला यीशु से मिलन का दिन है ये यीशु से मिलन का समय है इस तरीके से एक इंसान का मन जो है प्रभु यीशु मसीह से मिलने की जरूरत होती है ये हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत है पहला हम लोग अपने सोच को विश्वास करके जीते थे मैं भी चर्च में गया कई साल मैंने भी बाइबल बहुत पढ़े मुझे लगता है कि मैंने उद्धार पाने से पहले ही डेढ़ बार के ऊपर बाइबल पढ़ा होगा सच में मैं हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ता था हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ता था पांच साल के जो मेरा पीरियड था पांच साल मेरा पीरियड उस पीरियड के दौरान कभी कभी मैं महीने में एक बार बाइबल खत्म करता था कभी कभी मैं बाइबल हफ्ते में एक बार बाइबल खत्म करता था कभी कभी पंद्रह दिन में खत्म होता था ज्यादातर तो पंद्रह दिन में खत्म होता था कम समय एक हफ्ते में भी खत्म होता था और बहुत रियरली ऐसा होता होगा कि एक महीने में खत्म होता था तो मैं इतना बाइबल पढ़ने के बाद भी क्योंकि मैं बाइबल के बच्चन को विश्वास नहीं करता था इसलिए मैं मेरे पाप धुलवाने की कोशिश करता था प्रभु मेरे पाप धो दो प्रभु मेरे पाप धो दो प्रभु क्योंकि मेरे पास बच्चन नहीं था जैसे पतरस के पास प्रभु का वचन नहीं था क्योंकि प्रभु अभी तक उसके नाव में आया नहीं था तो एक दिन प्रभु मेरे नाव में भी आया मेरी जिंदगी में भी आया एक पास्टर के एक निशनरी के 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 द्वारा द्वारा एक एक मिशनरी वो आया और उसने मुझे वचन दिया विजय यीशु मसीह ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा तू पवित्र किया गया है तो उस दिन में मानने को तैयार नहीं था उस असलत तो में मेरा मन पत्रस के जैसा नहीं था जब मैं देखता हूं पत्रस को सच में बहुत सुंदर मन वाला व्यक्ति है मेरा मन पत्रस की तरह नहीं था मैं पत्रस ने तो कह दिया हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की फिर भी कुछ नहीं पकड़ा मैं तेरे कहने से जाल डालता हूँ लेकिन मेरे जीवन में ऐसा समय छह महीने के बाद आया छह महीना प्रभु का बच्चन मेरे मन के दरवाजे पे खड़ा था और टकराता था टकराता था टकराता था, था मेरे मन में प्रभु का बच्चन इब्रानियों दस अध्याय दस वचन टकराता था मसीह के शरीर के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं आप जानना चाहते हैं कि कौन सा वचन मेरे मन से निरंतर टकराता था मैं थोड़ी देर आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा इब्राहि उसका टकराता था यह वचन मेरे मन का दरवाजा ठोकता था यह वचन मुझसे कहता था उसी इच्छा से हम हमेशा के देहा के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं लेकिन मुझे मेरे साथ क्या होता था पता है आपको मैं वचन सुनता था थोड़ी देर के लिए मेरा ये जो माथा है ना जन 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 करता था लेकिन हृदय में मैं बच्चन को ग्रहण बलिदान करके मुझे पवित्र कर दिया मैं समझ था था। मैं पवित्र हो गया। लेकिन मेरे मन में क्या विश्वास था पता है हाँ यीशु ने सारे मानव जात को पवित्र कर दिया यीशु मानव जात का उद्धार करता है यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने मानव जात के पाप क्षमा कर दिए उसने सबको पवित्र कर दिया लेकिन मेरे अंदर सैतान की आवाज मुझे चिल्लाती थी लेकिन तू पापी है। तो मैं बोलता था, आ, मैं तो पापी हूँ यीशु ने सबको पवित्र कर दिया लेकिन मैं पापी हूँ ऐसा सैतान कंटिन्यू मुझसे चिल्लाता था छह महीना ऐसा होता था उन छे महीनों में मेरे साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या हुआ पता है आपको उन छे महीने में मैं एक बॉर्निगिन पास्टर से वचन सुनता ही था जैसे आप ये फेसबुक और यूट्यूब में वचन सुन रहे हो वैसे ही मैं भी वो पास्टर के चर्च में जा जा के वचन सुनता था दिन भर काम करता था और शाम को जो वो पास्टर प्रचार करते थे उस जगह में जाके बैठ जाता था और वो पास्टर प्रचार करते थे और हर प्रचार में बाइबल का कौन सा भी भाग वो क्यों ना खोले वो गॉस्पेल प्रचार करते ही थे कैसे हम पवित्र हो गए कैसे हम धर्मी हो गए क्यों लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं लोगों के मनों में क्या चलता है ऐसी बातें वो पास्टर प्रचार करते थे तो जब उनका प्रचार सुनता था मैं बराबर है बराबर है यीशु ने पवित्र किया हमने मानना चाहिए बराबर है बराबर है लेकिन जब वो पास्टर के घर से मैं निकल के बाहर जाता एक वहां पे गेट था सो हम गार्डन बोल के वो गार्डन हुआ करता था मुझे अभी भी याद है घोड़बंदर रोड में उस समय हम रहते थे घोड़बंदर रोड में वो मिशनरी वो जो पास्टर जो मेरे थे वो वहां पे उस समय में रहते थे तो पास्टर जी जब अपने घर में से उनके घर में से वचन सुन के मैं निकलता था वो बड़ा गेट से बाहर निकलता था गेट से बाहर जाते मेरे मन में क्या होता था पता है शैतान फिर से आ जाता था और शैतान आकर मुझसे कहता नहीं यीशु मसीह ने सबको पवित्र किया ये बात एकदम ठीक और मानने की बात है लेकिन तू तु देख तूने कितने पाप किए जिंदगी में तू पवित्र कैसे हो सकता है तू तो पापी ही है तो सच में मैंने मेरे जीवन में पाप किए हैं जब शैतान मेरे पाप को दिखाता था शैतान मुझे यीशु के लहू को देखने नहीं देता था जिस लहू में मेरे पाप धग चुके हैं जिस लहू से मेरे पाप धो दिए गए हैं जी के उस बलिदान को समझने नहीं देता था शैतान जिसने मेरे पाप का कीमत चुका दिया है असलियत में मेरे पाप का कीमत चुकाया जा चुका है असलियत में मेरे पाप यीशु के लहू से धोए जा चुके हैं असलियत में यीशु ने अपने लहू से मेरे पाप को ढक दिया है परमेश्वर भी मेरे पाप याद नहीं कर सकते हैं इम्पॉसिबल ऐसा लिखा है बाइबल में मैं तुम्हारे पाप कभी भी याद नहीं करूंगा परमेश्वर तो झूठ नहीं बोल सकते हैं लेकिन मैं अपने आप को विश्वास आज भी बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन जीते हैं लेकिन शैतान उनसे कैसे बातें करता है वो लोग समझ नहीं सकते हैं बहुत तकलीफ होता है ऐसे लोगों को आत्मिक जीवन जीने के लिए इसके लिए आप परमेश्वर का वचन एक उद्धार पाए हुए पास्टर से निरंतर सुनना जरूरी है तो जब मैंने निरंतर छह महीने तक वचन सुनने के बाद एक दिन क्या हुआ पता है मैं वो गेट पे खड़ा था और मैं सोचने लग गया क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में मेरा मन ऐसे क्यों हो रहा है क्यों मैं चर्च में जब से वचन सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं पवित्र हूँ बाहर निकलते क्या होता है मेरे साथ कि मैं मानने लगता हूँ कि मैं पापी हूँ मैं नरक से नहीं बच सकता मुझे नरक में जाना ही है ऐसे क्यों मेरे मन में ऐसे सोच आते हैं और मैं उन सोच को क्यों मानता हूँ क्यों मैं विश्वास करता हूँ मैंने जब गहराई से सोचा उस दिन मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया क्या अनुग्रह दिया वो ही तो सैतान है तो परमेश्वर का बचन और सैतान की आवाज दोनों को हम कैसे विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर का बच्चन कहता है कि यीशु मसीह के के शरीर के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से हम लोग पवित्र किए गए हैं लेकिन मेरे अंदर का सोच मुझे बोलता है नहीं तू पापी है तूने क्योंकि तूने पाप किया है तो मैं उस सोच को विश्वास करूं कि प्रभु के प्रभु के बचन को विश्वास करूं तो वो दिन मेरे मन में क्या मन दिया प्रभु ने मैं सोचता हूं ना सच में प्रभु ने मुझे वो दिन मदद किया है क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है

तू जो बोलता है तेरे बात पे भरोसा नहीं करूंगा, करूंगा यीशु ने अगर कहा है कि यीशु के शरीर के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से मैं पवित्र हूं तो मैं यीशु के बचन पे विश्वास करूंगा कि यीशु ने मुझे पवित्र किया है तो मैं पवित्र हूं मैं ये वचन पे विश्वास करूंगा उसके बाद भी अगर ये मुझे नरक में भेजता है यशु को मुझे नरक में भेजने दे सैतान तो मैं नहीं मानूंगा मैं पापी हूं तेरी बात सुन के तो मैं नहीं जाऊंगा नरक में अगर मुझे नरक में भी जाना है तो मैं के वचन पर विश्वास करूंगा उसके बाद ये मुझे नरक में भेजने दे ऐसा मन परमेश्वर ने मुझे दिया उस शैतान से लड़ने के लिए तो उस दिन मैं शैतान से जीत गया ये वचन के द्वारा इब्राहियो दस अध्याय दस वचन के द्वारा वो पहली जीत थी मेरे आत्मिक जीवन की पहली जीत ये जीत को मैं कभी नहीं भूल सकता ये मेरी पहली जीत थी प्रभु ने मुझे मदद किया था उद्धार के दिन वो सैतान पर अविश्वास करने का मदद किया था मुझे परमेश्वर ने और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने का परमेश्वर ने मुझे, मुझे मदद किया था और उस दिन मैं बहुत खुश था आ, उस दिन से मैं गवाही देने लग गया मैं पवित्र मेरे कर्मों से नहीं हूँ मैंने अच्छे काम किए इसके लिए मैं पवित्र नहीं हूँ मैंने पाप नहीं किया इसके लिए मैं पवित्र नहीं हूँ मैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पवित्र किया गया हूँ इसके लिए मैं पवित्र हूँ उस समय से मैं भी इस पत्रस की तरह क्या करने लगा उपदेश देने लगा इस पत्रस की तरह मैं भी खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलने लग गया यीशु मसीह नासरी के बारे में जैसे ये प्रेरितों के काम दो और तीन में हम इस प्रेरित पत्रस को देखते हैं पत्रस जब अपने सोच पर विश्वास करता था उस समय पत्रस का दशा अलग था लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा उस समय से पत्रस का जीवन हम पूरी रीति से यहाँ अलग देख सकते हैं तो पत्रस यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले पत्रस अपने सोच पर विश्वास करता था लेकिन लुका के पांच अध्याय में पहली बार पत्रस ने क्या कहा प्रभु हम तेरे कहने से जाल डाल देते हैं हमने सारी रात मेहनत की लेकिन हमको कुछ नहीं मिला लेकिन तेरे कहने से जाल डालता हूँ एक दिन मेरे मन में भी ये दुनिया निर्माण हुआ प्रभु तेरे कहने से मैं विश्वास करता हूं मैं पवित्र हूँ मुझे नरक में में भेजना है तो प्रभु भेज दे लेकिन मैं अपने मन में से आने वाले शैतान के सोच पर भरोसा करके मैं और पापी नहीं ठहर सकता और मैं नरक में नहीं जाऊंगा अगर मैं नर्क में भी जाऊंगा क्योंकि मैंने तो पाप किया ही है मेरे लिए तो नर्क निश्चित ही है लेकिन मैं नर्क में जाना भी है तो मैं कैसे नर्क में जाऊंगा यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके जिसने मुझे धर्मी और पवित्र बनाया उस पर मैं विश्वास करूंगा उसके बाद अगर यीशु मुझे नर्क में भेजेगा यीशु को मुझे नर्क में भेजने दे सैतान में तेरे पे तो विश्वास नहीं करूंगा इस तरीके से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ था उस दिन के बाद मैं पत्रस की तरह प्रभु के साथ चलने लगा तो पत्रस की तरह मैं प्रभु के साथ चलने लगा उस दिन के बाद जब हम लुका के पांच अध्याय में देखते हैं पत्रस ने मछली पकड़ी वो मछली क्यों आए क्योंकि उसने प्रभु के बचन पर विश्वास करके जाल डाला था उसने मछली पाया मछली पाने के बाद पतरस सब कुछ फेंक के प्रभु के पीछे चलता है क्यों क्योंकि पतरस ने एक नई दुनिया डिस्कवर की वो थी बचन की दुनिया एक नया सामर्थ का दुनिया उसने डिस्कवर किया वो है बचन के सामर्थ का दुनिया तो बचन के सामर्थ की दुनिया जब पतरस ने डिस्कवर किया पतरस ने जाना मुझे मछलियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है ये मछली पकड़ने जो सिखाता है ना प्रभु ये प्रभु मेरे लिए बहुत बड़ा है ये प्रभु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैंने प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है उस समय में पतरस प्रभु के पाँव में गिर के बोलने लगा प्रभु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं घोर पापी हूँ तो उसने क्या पाप को डिस्कवर किया प्रभु के वचन को विश्वास नहीं करने का पाप डिस्कवर किया तो मैंने भी मेरे जीवन में यह पाप को डिस्कवर किया मैंने यीशु के बलिदान में विश्वास नहीं करने का पाप किया है इसलिए मैं पापी था अगर मैं यीशु मसीह के शरीर के बलिदान के बलिदान द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ हालांकि तो मैं पास्टर हाला था हालांकि मैं चर्च जाता था लोगों को बाइबल सिखाता था लेकिन खुद मैं यशु मह के बलिदान पर विश्वास नहीं करता था इसलिए मैं पापी था लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि यशु म के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ ये विश्वास मेरे मन में आने के बाद उस दिन के बाद यह बचन मुझे खींच रहा है जैसे पतरस को प्रभु यीशु में से अपने पीछे चला रहा है तो जब पतरस प्रभु के के नीचे में गिर के, क्या बोला प्रभु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ उस समय में यीशु ने कहा मत डर अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा यीशु ने पतरस से कहा तू पाप के लिए डरने की जरूरत नहीं है मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा मतलब क्या तेरे द्वारा मैं लोगों को उद्धार दूंगा तू लोगों को स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई करेगा तेरे प्रचार के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे लोगों को पता चलेगा पापों की क्षमा हुई है लोगों को पता चलेगा कि वो लोग धर्मी और पवित्र हैं और तेरे प्रचार के द्वारा तू लोगों को पकड़ेगा वचन के द्वारा तू लोगों की अगुवाई करेगा ताकि लोगों को क्या कर सके तो स्वर्ग के राज्य में अगुवाई कर सके मैं सच सच में जब देखता हूँ कैसे परमेश्वर ने पत्रस के जीवन को चलाया ताकि पत्रस प्रेरितों के तीसरे अध्याय में सट्टिकता से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे ये प्रेरितों का काम तीन अध्याय के कामों को और हम और अधिक करेंगे आज समय की कमी के कारण मैं यही खत्म करूंगा आइए प्रार्थना करें <coughs> हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आज भी हमने प्रेरितों का काम तीन अध्याय को पढ़ के शुरू किया और पत्रस कैसे ऐसे भाषण देने वाला बना पत्रस ऐसे कैसे इसराइलियों की अगुवाई करने लग गया कि लोग उद्धार पा सके हमने उस पत्रस के मन की स्थिति के बारे में आज बातें की प्रभु सच में जैसे पत्रस का मन आपने चलाया चलाया है पत्रस के जीवन में तीन भाग है एक भाग जब पत्रस आपके वचन को मिलने से पहले दूसरी बात जब वो आपके वचन को मिलता है लेकिन आपका वचन और अपना सोच दोनों भी जोड़ के जिंदगी जीता है और एक समय है जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके वचन पर विश्वास करके जीता है वो समय हम बहुत अद्भुत रीति से बाइबल में देख सकते हैं परमेश्वर सच में आप हम सब लोगों को अनुग्रह दो ताकि हम ये तीनों स्तर पार हो सकें और हमारे जीवन में भी आप वो अनुग्रह दो जो आपने पत्रस के जीवन में दिया ताकि हम सिर्फ आप पर भरोसा करके ये समाचार को प्रचार कर सकें और बहुत सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके और आपसे मिलकर आशीर्वादित हो सके प्रभु आप सभी लोगों को बुराई से फेर कर आप उनको आशीष देना चाहते हो ये आशीष सबको प्राप्त हो यही हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं सभी बातों को आपके हाथ में हृदय में सौंप कर यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया आमीन सबको धन्यवाद तो हम लोग फिर से कल मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि जैसे-जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जैसे-जैसे परमेश्वर के वचन की आप सहभागिता कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन को आप आशीष आशीषित रीति से देख पाएंगे तो सबको धन्यवाद आज हम यहीं खत्म करेंगे Tennessee. Grace Gospel TV and Interdenominational Missions TV in association with Grace Gospel Mission. By running this YouTube channel, we want to spread the true gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel, and watch our playlist of eternal forgiveness of sin. Thank you.